वैश्विक महामारी कोरोना का दौर लगातार जारी है। इस बीच उदयपुर के अकील मंसूरी ने एक मिसाल पेश की है। रमजान के पवित्र महीने में अपना पहला रोजा तोड़कर 3 बार प्लाज्मा डोनेट किया, वहीं करीब 25 लोगों को ब्लड डोनेट कर चुके हैं। मेरे साथ में अकील बातचीत के लिए मौजूद है, स्वागत आपका ईटीवी में। अकील, जो आपने मिसाल पेश की है, क्या कुछ रहा? मेरा नाम अकील है। मैंने मेरे पास कॉल आया था आरपीजी का मेरे पास में कॉल आया था, तो एमबी हॉस्पिटल से मेरे पास में। उस दिन मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया था। एंटीबॉडी टेस्ट करवाने के बाद पॉजिटिव आया था। तब मैंने डॉक्टर से बात करी थी। डॉक्टर ने बोला था मेरे को कि आपने कुछ खाया? मैंने कहा नहीं खाया, रमज़ान का पहला रोज़ा है मेरा और मैंने रोज़ा रखा हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आपको अपना रोज़ा तोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, और किसी की जान बचती है अगर और मानवता के नाते, इंसान के नाते, मैंने अपना रोज़ा तोड़ा और रोज़ा तोड़ के उनको प्लाज्मा डोनेट किया था। डोनेट करने के बाद मैं फिर डोनेट किया। आगे क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला मेरे को कि आपने कुछ खाया? मैंने कहा नहीं खाया है मैंने, और उसने डॉक्टर ने बोला आप कुछ खा के आइए। फिर मैंने रोज़ा रखा, मैं डॉक्टर बोला था मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो मेरे फिर कुछ खा के आया। खाने के बाद में फिर मैंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। प्लाज्मा डोनेट करने के बाद में फिर मैं वहाँ से निकल गया था। तब शाम को मेरे पास में कॉल आया था कि आपने जो प्लाज्मा दिया था वो उनकी दोनों के लिए आपने बहुत अच्छा काम, इंसानियत का और मानवता का एक जो होता है वो आपने धर्म निभाया है। और इस ईटीवी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, और जितना से जितना हो गए जो भी कोविड पेशेंट आ रहा है और वो सब अपना प्लाज्मा डोनेट करें। उन दोनों की क्या स्थिति थी जब आप प्लाज्मा डोनेट करने से पहले पहुँचे थे? तो उस समय उन दोनों की स्थिति क्रिटिकल थी, ऐसे ही चल रहा था। और जब मेरे को शाम को कॉल आया था तब वो बोला ठीक है, कंडीशन ठीक है। परिवारजनों ने क्या कहा कि पहला रमज़ान का रोजा है, तोड़ रहे हैं, मन में कई विचार भी आते हैं? सब लोगों ने मुझे बधाई दी, सब ने बोला आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने अपना रोज़ा तोड़ के और अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। सब ने मुबारकबाद भी दी और सब ने अच्छा बताया। लंबे समय से आप रमज़ान का पर्व मना रहे हैं, रख रहे हैं, तो एक बार जैसा टूटा है तो क्या मन में विचार आए? इसमें विचार कुछ नहीं, 15 साल से लगभग मुझे 15 साल हो गए रोज़ा रखते हुए, लगभग 15 साल से रख रहा हूँ। पहला रमज़ान का पहला रोज़ा मुझे तोड़ना पड़ा, वही उसके लिए भी हमारे इस्लाम धर्म में कुछ करना होता है। अगला रोज़ा हम रख लेंगे, वापस रोज़ा रखना होता है, रख लूँगा मैं। अब तक कितनी बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं? अब तो 17 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ मैं, 17 और 3 बार प्लाज्मा डोनेट किया है मैंने। और लोगों को क्या मैसेज देंगे? कोरोना ने जहां अपने पराये का भेद बताया है, वहीं कोरोना में लगातार रिश्ते भी सिकुड़ते जा रहे हैं। इस बीच आपने जो ये पूरा घटनाक्रम रहा, क्या कहेंगे? सब मिलजुल के रहें, सब अपने परिवार का ध्यान रखें और इस कोविड काल में एक दूसरे का सहयोग करें, और जो पॉजिटिव हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा, और इसी आदेश के साथ में। धर्म संप्रदाय को लेकर भी कई बातें उड़ती हैं, लेकिन आपने धर्म से ऊपर उठ करके समाज और उसकी मानवता की रखी है, क्या कहेंगे? बस मेरे मन में जो लगा था मैंने किया था। आज के टाइम में सब धर्म और इसके बाद मैं नहीं मानता धर्म और जाति भेद को किसी को, और सब अपन इंसान है, इंसानियत के नाते मैंने जो किया वो मेरे को जो अच्छा लगा मैंने किया। तो ये अकील मंसूरी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि धर्म संप्रदाय और मजहब से ऊपर उठ करके मानवता की रक्षा के लिए आगे आएं और सभी लोग प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे कि एक दूसरे की रक्षा की जा सके। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।